प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले स्वागत करते हैं पंडित जी का। नमस्कार पंडित जी। नेहा जी, आपको भी नमस्कार और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नेहा जी, आज का जो विषय है आपका, वास्तविकता में वो आम व्यक्तियों से जुड़ा हुआ विषय है, और ऐसे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कपड़े व्यक्ति की इज्जत को, व्यक्ति की छवि को और व्यक्ति के मान सम्मान को इंगित करते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक विषय चुना कि घर में फटे पुराने कपड़े नहीं रखने चाहिए, या एटलीस्ट उसे अलमारी में नहीं रखना चाहिए। पंडित जी, मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर घरों में देखा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों के कपड़े संभाल कर रख लेते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? नेहा, इस संदर्भ में कुछ तो भावनाएं हैं और कुछ ज्योतिषीय और वास्तु के पहलू हैं जिन्हें हमें समझना होगा। देखिए, अगर बच्चों के बचपन के कपड़े जो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जो फटे और उधड़े नहीं हैं और जो किसी काम आ सकते हैं, ऐसे कपड़ों को घर में रखा जाए और अलमारी में रखा जाए, उन्हें साफ़ कर कर रखा जाए, तो इसमें कोई दोष नहीं लगता। लेकिन उन कपड़ों को कभी भी पहनने वाले कपड़ों के साथ में नहीं रखना चाहिए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जिस प्रकार समय चलता है, उसी प्रकार जीवन में प्रगति भी चलती है। समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। जिस प्रकार हमने एक दिन खाना बनाया, सर्दियों का समय हुआ तो हम शायद उसे दूसरे दिन कंज्यूम कर लें, लेकिन हम तीसरे दिन उसे कंज्यूम नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खाना ख़राब हो जाएगा। इसी प्रकार उसकी गुणवत्ता ख़त्म हो जाएगी। जब कभी भी यदा कदा ऐसा होता है कि कोई चीज़ जो हमें इस्तेमाल नहीं देती है, उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। जिस चीज़ का अर्थ ना हो, जिस चीज़ की वैल्यू हमारे लिए ना हो, वो चीज़ निरार्थक हो जाती है, अर्थात वो चीज़ अर्थ के बगैर हो जाती है। इसलिए ऐसे कपड़ों का जो हमारे अर्थ के ना हो, हमारे काम ना आ रहे हों, उसका कोई यूज़ ना हो, उसे अपने पहनने वाले कपड़ों के साथ में कभी नहीं रखना चाहिए। अगर बचपने के कपड़े अगर ठीक अवस्था में हैं, तो निश्चित रूप से उसे किसी गठरी में बांध करके स्टोर रूम में रखा जा सकता है। एक बात का ध्यान ज़रूर कि वो कपड़ा फटा हुआ या उधड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसे धोकर साफ़ कर कर आप ज़रूर रख सकते हैं। तो पंडित जी, क्या फटे और पुराने कपड़े रखने से वास्तु दोष भी पैदा होता है? नेहा, बिल्कुल आप सही हैं। फटे और पुराने कपड़े घर में रखने से वास्तु दोष पैदा होता है, हो सकता नहीं, होता है। इसके पीछे मैं आपको ज्योतिषीय और वास्तु के कुछ कारण बता रहा हूँ। कपड़ों का संबंध तन ढकने से है और ये त्वचा को ढकने का काम करते हैं। ये हमें सजाने संवारने का, हमें सभ्य बनाने का काम करते हैं। लाल किताब में ऐसा संदर्भ आता है कि फटे पुराने उधड़े हुए कपड़े पहनने से शुक्र खराब रिजल्ट देता है। ज्योतिष के वैदिक खंड का ऐसा मानना है कि जितने भी कपड़े जो हमारा सौंदर्य बढ़ाते हैं, वो सारे के सारे शुक्र को संबोधित करते हैं। ऐसे में शुक्र का जो संबंध है वो सीधा सीधा कपड़ों से है। शुक्र का बिगड़ना जीवन में 2 से 3 डिफरेंट प्रभाव लेके आता है। फटे पुराने कपड़े पहनने से सबसे पहली बात, शुक्र कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे ही हम फटे पुराने कपड़ों का अपने घर में रखते हैं या उसे इस्तेमाल करते हैं, तो शुक्र अपनी नीचता के कारण व्यक्ति के जीवन में सांसारिक संबंधों में कहीं ना कहीं विकार पैदा करता है। फटे पुराने कपड़े शुक्र को बिगाड़कर व्यक्ति के जीवन में, उसके दाम्पत्य संबंधों में, उसके सामाजिक संबंधों में गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। ऐसी अवस्था में फटे पुराने कपड़ों का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे वास्तु दोष जो पैदा होता है वो है घर की दक्षिण पूर्व दिशा का वास्तु दोष। ऐसी अवस्था में घर में बहुत सारी चीज़ें हमारे विरोधाभास में होने लगती हैं। सबसे पहले नंबर 1, दाम्पत्य संबंधों में गड़बड़ हो जाती है। और इसका आप एक आलेख ले सकते हैं
कि जिस भी घर में फटे पुराने कपड़े बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर घर की दक्षिण पूर्व दिशा में कहीं ना कहीं वास्तु दोष जन्म ले लेते हैं। ऐसे केसेस में घर की जितनी भी महिला सदस्य हैं या घर में जितनी भी बच्चियां हैं जो सयानी हैं उनके स्वास्थ्य पर और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा असर होता है, क्योंकि ये दिशा शुक्र की दिशा है, इस दिशा में लक्ष्मी भी निवास करती हैं और ऐसी अवस्था में घर में धन का संचार कम हो जाता है और वो बाधित हो जाता है। 8 प्रकार की लक्ष्मियों का शास्त्रों में व्याख्यान है। इन 8 में से एक ग्रह लक्ष्मी भी होती है जिसका काम ग्रह को सजाना है, संवारना है। एक धान्य लक्ष्मी भी होती है, उसका काम है घर में साग सब्जी, गेहूं चावल, जो धान होते हैं सारे, उनका निरंतर फ्लो होता रहे, हमारे खाने पीने की चीज़ों में कभी कमी ना आए। ऐसी ही लक्ष्मी को हम अन्नपूर्णा भी कहते हैं, अन्नपूर्णा स्वरूपा। उन आस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाती है और सबसे ज़्यादा बिगड़ जाती है घर की दक्षिण पूर्व दिशा, जिसके कारण घर के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और निश्चित रूप से फटे पुराने कपड़े घर में रखना वास्तु दोष का बड़ा कारण बनता है। अक्सर पंडित जी ऐसा भी देखा जाता है कि घर में रखे हुए कपड़े छोटे भाई बहनों को पहना देते हैं या कई बार दान में भी दे देते हैं, क्या ऐसा करना सही है? देखिए, दान, फटे पुराने कपड़ों का दान देना कदापि उचित नहीं है। दान हमेशा स्वेच्छा से किया जाता है और दान करने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हम गाय को कभी जूठन नहीं खिलाते, कुछ लोग जो खिला देते हैं सर्वदा बड़ा पाप करते हैं। दान हमेशा उन चीज़ों का करना चाहिए जिसको आपने अर्जित किया हो, जो आपके अर्थ का हो, उसे दान किया जाता है। जैसे आप अगर पैसा दान करते हैं या भोजन दान करते हैं तो जूठा भोजन दान नहीं करते, फटे पुराने नोट, गले नोट दान नहीं करते। दान वो चीज़ की जाती है जिसकी वैल्यू हो, जो निरार्थक हो उसका दान कभी नहीं किया जाता। दूसरी बात, छोटे भाई बहन अगर वो कपड़े पहने, वहाँ तक ठीक है कि जहाँ तक वो कपड़े फटे पुराने नहीं हैं। अगर वो कपड़े फटे पुराने हैं तो निश्चित रूप से भाई बहनों को नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन पर भी दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो पंडित जी ऐसा भी देखा जाता है कुछ लोग फटे कपड़ों को चुराहे पर ही फेंक देते हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमारे जीवन पर इसका असर पड़ता है? देखिए, फटे कपड़ों को चौराहे पर फेंक देना एक अच्छा तरीका है अपनी समस्याओं से निजात पाने का। चौराहा जितना भी होता है या जो तिराहे होते हैं, चौराहा राहु से संबंधित है और तिराहा जो है तिराहा वो केतु से संबंधित है। ऐसी जगहों पर अपनी नकारात्मकता को फेंक देना, फटे पुराने कपड़ों को चौराहे पर फेंक देना अच्छा साइन है कि आप अपने जीवन से नेगेटिविटी को उतार रहे हैं। ऐसे केसेस में निश्चित रूप से ऐसे चौराहों को चुना जाए जो जनमानुष से रहित ना हो। अगर वो फटे पुराने कपड़े कोई भिखारी वगैरह लेके पहन लेता है, अगर उसका उससे तन ढकता है तो आपकी नेगेटिविटी चली जाती है। लेकिन अगर आपने उसे दान दिया तो आपने अपनी समस्या किसी और को दे दी, क्योंकि चौराहे पर आते ही वो चीज़ जीरो वैल्यू की हो जाती है, इसलिए उसे चौराहे पर फेंक देना ठीक है। पंडित जी, अगर ये सब करने से किसी तरह का कोई दोष पैदा होता है तो उसके निजात के लिए हमें क्या उपाय आप बताएंगे? बिल्कुल नेहा जी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपने घर से जितने भी फटे पुराने कपड़े हैं उन्हें निकास दे दीजिए, उन्हें निकाल दीजिए। लेकिन अगर आप कुछ एक कपड़े हैं जिन्हें संजो के रखना चाहते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आप उन्हें कीड़ों से बचाएँ, आप उन्हें फटने से बचाएँ, आप उन्हें ख़राब होने से बचाएँ। अगर आप बचा सकते हैं तो उसे किसी संदूक में, गठरी में बांध कर रखें ताकि उसकी नेगेटिव ऑरा किसी और पर ना आए, आपके वास्तु पर ना आए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कपड़ों में कफूर की गोलियां डाली जाती हैं, वो इसलिए डाली जाती हैं कि कफूर जो है वो शुक्र को ही संबोधित करता है। ऐसे केसेस में जहाँ पर हम कफूर की गोलियों का प्रयोग करते हैं वहाँ पर कपड़े सुरक्षित रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिन किसी लोगों के घर में अगर एक्स्ट्रा कपड़े हैं और वो दान देना चाहते हैं तो उन्हें साफ करके, उन्हें धो करके वो किसी भी ऐसी संस्था में दान कर सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर सकते हैं, बशर्ते वो फटे पुराने ना हों। अगर वो फटे पुराने हैं तो उन्हें रफू करवा के
उन्हें थोड़ा सा सिलवा करके आप किसी गरीब को दे दें ताकि वो किसी के काम आए, और अपने घर में अपनी अलमारियों में जहाँ पुराने कपड़े रखे हुए हैं वहाँ पर कफूर की गोलियाँ रखें जिससे शुक्र आपकी कुंडली में प्रताड़ित ना हो।